नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में। बहुत ही गजब की पनीर पिज्जा, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में इतनी टेस्टी लगता है पनीर पिज्जा। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कि ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत टेस्टी लगता है। और हमने बेस लिया है पिज्जा बेस, उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर चेक कर लेना। मैंने रेसिपी डाली है और ये डाला हमने सॉस। अभी हमने बहुत सारे पिज्ज़ा डाले हैं, कोई भी पिज्ज़ा उठा के देख लेना, उसके अंदर हमने सॉस की रेसिपी डाली है या लिंक दे दूँगा, जाकर चेक कर लेना। तो बस वही सॉस है जो पिज्ज़ा सॉस है। पिज्ज़ा सॉस से तो आपका पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। और इसमें डाला पनीर, पनीर क्यूब डाले हुए हैं छोटे छोटे क्रंची करके, तो पनीर पिज्ज़ा खाना बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, और इसके अंदर हमने जो चीज़, ये मुजरोला चीज़ है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो ले आइए, और इसके बगैर मज़ा नहीं आएगा। इसमें ऑर्गेनो वाइट पेपर, सॉल्ट पेपर चुटकी से डालूंगा, ज़रा ज़रा सा। ऑर्गेनो अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। आप चिल्ली फ्लेक्स बोले तो रेड चिल्ली को बिल्कुल फाइन चॉप, मतलब बारीक बारीक सी काट के इसके ऊपर से डाल दें। और वाइट पेपर और अगर वाइट पेपर नहीं तो काली मिर्च भी डाल सकते हो। ये हमारा, हमने इस तरीके से इसको बैक करने के लिए लगा दिया है। देखिए पनीर पिज्जा हमारा पकने के लिए लगा दिया है। हम बना रहे OTG में, आप माइक्रो ओवन में, बाटी ओवन में, कुकर में, किसी में भी नॉन स्टिक में पिज्जा को बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बस इस तरीके आप लोग बना सकते हैं इसे। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जब भी हम वीडियो डालेगा तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और अब हम दिखाएंगे काट के। देखिए हमारा पिज्जे जो है कंप्लीट हो चुका है और उसको हमने कट कर दिया है। तो बस देखिए, वाह कितना सुंदर लग रहा है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो बस, और आप लोग, मैंने बताया कि आप लोग लिंक मिल जाएगी शिवाजी पाँच प्रकार की ग्रेवी, आलू ग्रेवी, चौमा मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, और इस सॉस की लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। थैंक यू।